भारत में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं, 8,000 से ज़्यादा नए मामले एक दिन में सामने आए हैं। वहीं पे अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, एक दिन में 193 लोगों की मौत हुई कोरोना वायरस के कारण भारत में। अभी तक मौतों का आंकड़ा 5,000 पार कर चुका है। वहीं पे इस पैंडेमिक के दौरान बाकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है और ये भी अंदेशा है कि आने वाले दिनों में बाकी बीमारियों के कारण होने वाली मौतों की संख्या में भी वृद्धि होगी। हम एक नज़र डालते हैं बाकी बीमारियों से जुड़े हुए आंकड़े क्या हैं। भारत में एक वर्ष में हृदय रोग यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से 15,54,000 लोग मरते हैं, यानी कि एक दिन में 4,200 से ज़्यादा लोग हृदय रोगों से भारत में मरते हैं। वहीं पे ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का सबसे ज़्यादा भार विश्व में भारत पे है। एक वर्ष में 3,75,000 लोग टीबी के कारण मरते हैं भारत में, यानी कि एक दिन में 1,000 से ज़्यादा लोग टीबी से भारत में मरते हैं। वहीं पे किडनी डिजीजेस से एक वर्ष में 1,90,000 लोगों की मौत होती है, यानी कि एक दिन में 520। कैंसर से 5,44,000 लोग हर वर्ष मरते हैं, यानी कि 1,490 लोग एक दिन में। रेस्पिरेटरी डिजीजेस से 3,42,000 लोग हर वर्ष मरते हैं, यानी कि एक दिन में 936। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से 8,33,000 लोग हर वर्ष मरते हैं, यानी कि एक दिन में 2,000 से ज़्यादा लोग इसका शिकार होते हैं। वहीं पे डिमेंशिया, जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, एक वर्ष में 9,000 लोग डिमेंशिया से मरते हैं, यानी कि 24 लोग हर रोज़ डिमेंशिया के कारण मौत का शिकार होते हैं। वहीं पे सड़क पे लगी चोटों के कारण, सड़क दुर्घटनाओं के कारण एक वर्ष में 2,75,000 लोगों की मौत होती है भारत में, यानी कि एक दिन में 750 से ज़्यादा लोग सिर्फ सड़क पे हुई दुर्घटनाओं में मरते हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की। उसने लॉकडाउन पे दोष दिया, कहा कि घर का खर्च नहीं चल पा रहा था। आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक वर्ष में 1,99,000 लोग आत्महत्या करते हैं, यानी कि एक दिन में 545 के लगभग लोग आत्महत्या करते हैं भारत में। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये कहा है कि ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बाकी बीमारियों से लड़ाई पे असर ना पड़े। और ख़ासकर टीबी को लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि जो इस लॉकडाउन के दौरान और इस पैंडेमिक के दौरान टीबी की इलाज में रुकावट आई है, उसके कारण टीबी से होने वाली मौतों की संख्या में 14 से 19 लाख तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कहा कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिटैलिटी रेट यानी कि इससे होने वाली मौतों की संख्या अभी कम है। ऐसे में बाकी बीमारियों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।